Hello students, welcome back. Welcome to Easy Biology Tutorials. Today we are going to start with a new chapter, and the name of this new chapter is excretory products and their elimination. ये हमारी फिजियोलॉजी का ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है, बिकॉज बाकी के चैप्टर्स जो है वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग एक्सक्लूड आउट कर दिए गए हैं. So let us start with the last chapter of the physiology, and this is excretory products and their elimination. Students, what is the meaning of excretion, and what is this? What is this part of excretion playing a role in the physiology of human being? हम सबको पता है कि जो excretion है basically. वो टॉक्सिसिटी टॉक्सिक एलिमेंट्स को निकालती है हमारी बॉडी में से, एंड जिससे हमें पता चलता है कि ये वाले जो सब्सटेंसेस हैं, अगर ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए हमारी बॉडी में तो उससे नुकसान हो सकता है हमें. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, दिस इज द फंक्शन. Now let us go. Yes, actually I was confirming with the syllabus, and syllabus में से हमें पता चला है कि ये जो excretion वाला chapter है, excretion वाले chapter के बाद आपका एक last chapter है, that is brain. Brain मतलब neural control and coordination. Neural control वाला chapter जो है वो अभी भी आपके syllabus में है, and इसमें हम brain के बारे में पढ़ने वाले हैं and endocrine system के बारे में पढ़ने वाले हैं. बाकी जो पार्ट्स है ऑफ रिफ्लेक्स आर्क एंड सेंसरी ऑर्गन्स, वो वाले पार्ट्स जो है वो एक्सक्लूड आउट कर दिए गए हैं. तो अप्रोक्सीमेटली जो फिजियोलॉजी है वो हमारी वहीं से शुरू हो रही है, ब्रेन में से. ओके, तो लेट अस गो. एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी. बेसिकली the metabolic waste or the nitrogenous waste. Nitrogenous waste matlab the materials or the substances that consists of nitrogen in them. That consists of nitrogen in them. These kinds of substances are known as nitrogenous waste materials. The materials or substances that consist of nitrogen in them. These substances are formed in the human body, are formed in the body of the living organism as a result of various metabolic activities. Example, protein synthesis, या फिर protein metabolism, we can write it protein metabolism and other pathways. If these nitrogenous waste materials are not excluded out from our body, it may be a lot harmful for us. ठीक है, so basically this is the thing, and this is the concept that what is excretion. Excretion is excluding out, yeah, excreting out the waste materials from the body and the nitrogenous wastes. Next thing is the types of excretion. Students, types of excretion may ammonia, ureotelism and uricotelism. Agar jo organism hai, it is excreting out ammonia.
then the kind of excretion is known as ureotelism. अमोनोटेलिज्म. अगर यूरिया है तो यूरियोटेलिज्म, एंड अगर यूरिक एसिड है तो यूरिको यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेलिज्म. यूरिक एसिड के अंदर एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमंस, यूरिया के अंदर एग्जाम्पल्स हैं एक्चुअली देयर इज अ मिस्टेक. यूरिक एसिड के अंदर जो एग्जाम्पल है दीज आर द बर्ड्स, यूरिया के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं दीज आर देयर इज ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के अंदर यूरिया एज वेल एज यूरिक एसिड होते हैं, ऐसे तो अमोनिया भी होते हैं, लेकिन मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो हमारा यूरिया ही होता है. सो टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म. नेक्स्ट थिंग इज अमोनोटेलिज्म. द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमोनोटेलिज्म. अमोनोटेलिक एनिमल्स आर द एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स. बेसिकली एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमें उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट करना पड़ता है स्टूडेंट्स. अगर अमोनिया को एज इट इज एक्सक्रीट आउट कर देंगे तो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी. अमोनोटेलिक एनिमल्स आर एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस एक्सेट्रा. And ammonia is highly toxic, so excretion needs excess of water to dilute it. Water का क्या काम होता है? To dilute the ammonia before excretion. Now ammonia is readily soluble in water and is excreted by diffusion through the body surface or the gill surface. अमोनिया क्या है? अमोनिया बहुत ज्यादा सोल्यूबल है, इसीलिए इसको डाइल्यूट करना भी इजी है. एज अमोनिया इज सोल्यूबल इन वाटर, सो डाइल्यूशन ऑफ अमोनिया इज इजी. Otherwise, it would be very harmful for other organisms. To excrete out ammonia as an excretory product, because it harms the other animals at a great extent. So students, बात ये है कि अमोनिया जो है, अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल एंड रेडिली सोल्यूबल इन वाटर. दैट्स व्हाई द एक्सक्रीशन इज कैन बी डन इजीली बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन से ही इसको क्या किया जा सकता है, एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है, या नॉर्मल बॉडी सरफेस से ही. जैसे ये है, ये इंसेक्ट है, ये क्या कर सकता है, सिंपली बॉडी में से अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर सकता है. दिस इकाइनोडर्म, दिस इज अ स्टार फिश एंड दिस इज हाइड्रा. बेसिकली ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी बॉडी में से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं अमोनिया को. दीज आर द बोनी फिशेस, ये भी अपनी बॉडी में से, जैसे ही ऑक्सीजन गिल्स में से ऑक्सीजन एक्सचेंज करते हैं, वैसे ही अमोनिया का भी एक्सचेंज कर सकते हैं. एज अमोनियम आयन्स, अमोनियम आयन्स मतलब NH4+, NH4+ इस फॉर्म में ये क्या कर सकते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं एज अमोनियम आयन्स. Kidneys do not play any significant role in its removal. Ammonia ke removal mein students kidney ka role nahi hota hai. This is the main concept. Let us go to the next slide and read kya likha hai yahan pe. Ureotelism. Next is ureotelism, and the formula for urea is very, very, very important
NH2CONH2. This is the formula for urea. The process of excretion of urea is known as ureotelism. Cartilaginous fishes, terrestrial and semi-aquatic amphibians. Cartilaginous fishes hai jo, bony fishes kya thi? Monotelic. Cartilaginous fishes are ureotelic. Why? Kyunki sabhi organisms agar monotelic ho jayenge to pani ke andar bhi kya hai? Toxicity level high ho jayega. Isi wajah se jo hai, yes. इसी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स यूरियोटेलिक हैं। ओके, तो यूरियोटेलिज्म कार्टिलेजिनस फिशेस में पाई जाती है, टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वाटिक एम्फीबियंस के अंदर पाई जाती है। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज के लिए दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्टिलेजिनस फिशेस किस टाइप का एक्सक्रीशन एग्जिबिट करती है, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म या अमोनोटेलिज्म। एक्वाटिक एंड सेमी एक्वाटिक जो रेप्टाइल्स हैं वो क्या, जैसे कि एलिगेटर्स एंड टर्टल, ये इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है। तो आपको ये याद रखना है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स, ये यूरिया आता कहाँ पे? हम सब में, हम जब भी हमारा मतलब कि प्रोटीन डाइजेशन होता है तो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? अमाइनो एसिड्स एंड अमोनिया। अमोनिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ every organism, but in ureo and uricotelic organisms this ammonia is converted into other products to other products for excretion. So that the excretion is not harmful, this conversion requires energy, but terrestrial organism can afford energy, but not the water wastage. क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इनको वाटर के अकॉर्डिंग एक्सक्रीट आउट किया जाता है। अमोनिया को बहुत ज्यादा वाटर चाहिए एक्सक्रीट आउट करने के लिए। जस्ट सपोज अगर मैं ह्यूमन बींग हूं और मुझे अगर अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करना है तो मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो यूज अप हो जाएगी। बहुत ज्यादा वाटर, जो जितना मैं वाटर पीती हूँ, मतलब कि आप ये लगा लो लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट आउट अमोनिया, तो बहुत ज्यादा वाटर वेस्टेज इस तरीके से होगी। और मैं एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं इतना ज्यादा वाटर वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए जो मेरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज यूरिया, एंड यूरिया अमोनिया से बन जाता है फ्रॉम द इन द लिवर। देखो, in the liver urea is converted into less toxic urea, so it needs only moderate quantity of water for excretion. Dekho, ye meri need hai, this is the need of a living being. Living being ki need ke according kya hota hai? Haan ji, living being ki need ke according jo bhi hai wo ho raha hai. Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some animal to maintain a desired osmolarity. Kidney के अंदर थोड़ा सा ammonia पड़ा हो सकता है, urea पड़ा हो सकता है, so that उसकी osmolarity मतलब hypertonicity and hypotonicity जो है वो अच्छे से maintain हो सके, ठीक है? वरना जो है ammonia और urea में convert हो जाता है, तो इसी वजह से सारा सिस्टम ठीक हो सकता है, हमारी जो वाटर वेस्टेज है वो कम होती है।
देखो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड रीड अबाउट दिस. प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज नोन एज यूरिकोटैलिज्म. इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन. स्टूडेंट्स जो यूरिया यूरिक एसिड है इसका फॉर्मूला क्या है? NH, देखो यहां पे NH के साथ दोनों साइड पे CO बॉन्ड्स फॉर्म है. NH के साथ दोनों साइड पे CO बॉन्ड फॉर्म है. यहाँ पे फोर फंक्शनल ग्रुप है ऑफ NH, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड एल्डिहाइड जो ग्रुप है बेसिकली वो कितने हैं? 1, 2, 3 and 4. फोर अमोनिया एंड फोर एल्डिहाइड ग्रुप्स. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिक एसिड. यूरिया का फॉर्मूला क्या था? NHCO3 NH और यूरिको यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? 4NH एंड 4CO आर प्रेजेंट. So, जो यूरिक एसिड है बेसिकली वो सोल्यूबल ही नहीं है वॉटर के अंदर. सो वॉटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन के लिए वॉटर चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है. और वैसे भी ये बहुत ज्यादा कम टॉक्सिक होता है तो यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने की जरूरत भी पड़ती नहीं है. इंसेक्ट्स, सम लैंड क्रस्टेशियंस, लैंड स्नेल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर एक्सक्रीट इन दिस वे. रेप्टाइल्स लिजर्ड का भी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है दैट इज यूरिक एसिड. बर्ड्स का भी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है दैट इज यूरिक एसिड. स्टूडेंट्स रेप्टाइल्स वर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टू एग्जिबिट ऑन अर्थ. इसी वजह से जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज यूरिक एसिड. सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा जो है वॉटर को कंजर्व कर सके. जो बेसिकली रेप्टाइल्स है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होने की वजह से इनके सारे मैकेनिज्म्स ही इस तरीके के हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो पानी बचा सके एंड पानी के बिना उनकी जिंदगी जो है वो कंप्लीट हो सके. बस इसी टाइप में सारी अडेप्टेशंस इनकी प्रेजेंट है. सो दिस इज द थिंग. So students, these are the name of the excretory organs and they are seen in which of the animals? It can be seen. Excretory organs are protonephridia, also known as the flame cells. They are present in platyhelminthes, rotifers, some annelids and cephalochordates. Platyhelminthes, rotifers, some annelids and cephalochordates के अंदर क्या कौन से excretory organs हैं? ये सारे NCERT वाले ही excretory organs हैं. मैंने आपको ये tabular form में provide किए हैं ताकि आपको कोई भी problem ना हो इसको समझने में. Then is nephridia is the excretory organ and it can be seen in annelids. Then is Malpighian tubules is the excretory organ and it can be seen in insects. Then the antennal glands or the green glands are the excretory organs and they are seen in crustaceans like prawn. The kidneys are the excretory organs and they can be seen in higher animals. Students, this is a table. This is very important. Har ek point mein se MCQ ka question ban raha hai aapka. So please, aaj hamara jo topic tha that was the types of excretion. And these types of excretion is very important for you. So, next video के अंदर आपको और भी थोड़े से fascinating facts मिलने वाले हैं. That was all for today. Thanks, students. Thank you so much. And have a nice day.